नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं आसूस के जेनफोन 6 के बारे में। बात करेंगे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या इस फ़ोन की प्राइस होगी, कौन इस फ़ोन का कॉम्पिटिटर होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि ये फ़ोन वन प्लस सेवन का जो है वो कॉम्पिटिटर है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लाने की हिम्मत। तो बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन के अंदर हमें मिल पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस फ़ोन के अंदर हमें जो है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिल पाता है, यानी ये एक जो है लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इस फ़ोन के अंदर जो है, यदि हम रियर कैमरा की बात करें तो हमें ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो है 48 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो बड़े ही कमाल की इसकी बैटरी है, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी हमें इसके साथ मिल जाती है। और यदि बात करें इसकी लॉन्च की तो भैया ये लॉन्च होने वाला है 16 मई को, और इस फ़ोन के अंदर मैं आपको बता दूँ कि अल्ट्रा वाइल्ड आपको जो है फुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, विदाउट किसी नॉच के, विदाउट कोई पंच होल डिज़ाइन के, आपको जो है पूरा डिस्प्ले जो है अल्ट्रा व्यू डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन एलईडी लाइट है वो भी इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलती है। 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है फ़ोन के नीचे की तरफ, और हमें मिल पाता है USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। तो भैया ये है एक बड़े ही कमाल की बात, ये दोनों चीज़ें एक फ़ोन के अंदर बहुत ही रेयर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वाकई में ही ज़बरदस्त है। और यदि बात करें इसके अंदर तो रियर कैमरा की, तो इसके अंदर जो है हमें 48 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा सेंसर तो सब मिल ही जाता है, इसके साथ ही हमें जो है इसके अंदर 30 मेगापिक्सल का वाइल्ड एंगल कैमरा सेंसर भी जो है इसके अंदर मिल पाता है। और इसकी यदि बात करें तो इसका जो वेरिएंट होगा वो 6GB का वेरिएंट होगा, सॉरी 6GB रैम 128GB का वेरिएंट होगा। उसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन होगी 45,000 रुपये के आसपास हो रही है। जो इसका 8GB 256GB वेरिएंट होगा उसकी प्राइस होने वाली है तकरीबन 54,000 से 55,000 रुपये के आसपास। तो मेरे को लगता है कि ये स्पेसिफिकेशन के साथ यदि आसूस ये फ़ोन लेके आता है तो बड़े ही कमाल का फ़ोन रहेगा। आप मेरे को बताइएगा इस फ़ोन के बारे में आपका क्या विचार है, क्या आप इस प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन खरीदना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कहीं पे। यदि बात करें इसके और वन प्लस सेवन की कंपटीशन की, तो भैया ये कंपटीशन जो है कुछ वैसा ही है जैसा कि आप जो है फर्स्ट कॉपी और रियल को जो कंपेयर करते हैं, जो उनके अंदर जो होता है, मेरे को नहीं लगता दोनों के अंदर कंपेरिजन है। आसूस काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लेके आता है, लेकिन डिज़ाइन वाइज जो है वो आसूस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और वन प्लस जो है वो एक स्टेबल ब्रांड है और आसूस उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता, मेरा यही मानना है। बाकी आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के अंदर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो के अंदर क्या कमी थी ताकि हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में वो इम्प्रूव कर सकें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।